साथियों, इस युद्ध गेम में आए हुए तमाम साथियों का मेरा सबसे पहले जय बिरसा, जय फूले, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फूले। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सलाम करना चाहूंगा इस देश की दलित शोषित जनता को जो ब्रह्म समाजवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस भारत वर्ष में जो शोषण हुआ है, बाबा साहब कहते हैं कि जो तीन जो फैक्टर है दुनिया में जितना भी शोषण हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशल स्टेटस एंड रिलीजन। और ये टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट के रिजर्व में कोई एक फैक्टर प्रीडोमिनेंट रहता है। और ये हम देखते हैं यूरोपियन सोसाइटी में जो शोषण हुआ है वो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे वहाँ क्लास में एक्सप्लॉइटेशन होता है। अगर इसी चीज को देखें अफ्रीका और अमेरिका में तो साथियों वहाँ रेशियल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, वहाँ प्रीडोमिनेंट फैक्टर है सोशल स्टेटस। और इंडिया में जो हम देखते हैं यहाँ जितना भी शोषण हुआ है उसका प्रीडोमिनेंट है वो रिलीजन, क्योंकि रिलीजन इसी देश का हिस्ट्री में इस देश का इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स को हजार साल से कंट्रोल किया है। यही रिलीजन ने बताया है कि किसको पावर में रहना है, किसको दबाना है, किसको एक्सपर्ट करना है। साथियों, इस देश का रिलीजन शूद्र, अति शूद्र और महिला को हजार साल से प्राइवेट प्रॉपर्टी से बाहर निकल बांध रखा है और इनको एजुकेशन ही नहीं दिया, जिसके चलते वो आज देखते हैं यही कम्युनिटी के लोग ज्यादा सब तो गरीब है और जो ब्राह्मण क्षेत्र जो पैसे है आज भी अमीर है। साथियों, तो साथियों इसी देश में जो एक्सपेक्टेशन हुआ है उसका प्रीडोमिनेंट फैक्टर है या रिलीजन, लेकिन यहाँ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी और सोशल स्टेटस का बेसिस होता है। जो सोशल स्टेटस यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है वो कास्ट है और कास्ट को रिलीजन ने बता है। और ये कास्ट का ग्रेटर इनइक्वालिटी है साथियों, ये जो कास्ट जब बनता है साथियों वीमेन को बाहर के बनता है। और बाबा साहब कहते हैं बी सुपर इंपोजिशन ऑफ एंडोगमी ओवर एक्टोगमी इज द बिगिनिंग ऑफ द कास्ट। और इसी चीज के लिए इसी इंडिया में वीमेन का डबल एक्सपेक्टेशन होता है, फर्स्ट तो इसका प्राइवेट बेसिस पर होता है, दूसरा कास्ट के बेसिस पर होता है। तो साथियों इसी देश में जो इसी हिंदू धर्म के खिलाफ, इस ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ जितना भी सोशल रेवोल्यूशन हुआ है, जितना भी
शोषण खत्म करने के लिए पहले ब्राह्मणवाद को खत्म करना पड़ेगा। यह शोषण खत्म करने के लिए बिरसा फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी का यही मानना है कि अगर इस देश में अगर समता है सब निकालना है शोषण खत्म करना है तो पहले आपको ये जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है ये जो हिंदू आज ब्राह्मणिकल में रहते हैं उसको खत्म करना पड़ेगा साथियों। यही बाबा साहब का था पहला प्रोग्राम विदित फर्स्ट प्रोग्राम अभी साथियों सेकंड प्रोग्राम जो प्राइवेट बेस्ट प्रगति का जो एक्सपेक्टेशन होता है प्राइवेट प्रगति बेस्ट एक्सपेक्टेशन उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब कहते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल रखना चाहिए जहाँ पे सोशल ओनरशिप होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए और वही स्टेट में माइनॉरिटी में लिखते हैं बाबा साहब कि इस देश में कलेक्टिव फार्मिंग होना चाहिए और इसी चिंताधारा इकोनॉमिक पर विषम होने का चिंताधारा है। एक आदिवासी इकोनॉमी है कि जहाँ कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहता है जहाँ सोशल ओनरशिप होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है और इसी बात को मार्क्स ने जिक्र करता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म और साइंटिफिक कम्युनिज्म का साथियों। तो साथियों किसी देश में अगर इक्वालिटी लाना है इसको शोषण खत्म करना है तो यही तीनों प्रोग्राम है बिरसा फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी का यही तीन प्रोग्राम है। तो साथियों हम क्या देखते हैं इसी देश में अभी मैं बताऊंगा कि तमाम जो गरीब रेवोल्यूशनरी फोर्सेस है जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं रेवोल्यूशन की बात करते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। इस देश में कई तरह कम्युनिस्ट मूवमेंट है और हमारा मानना यही है अम्बेडकर मूवमेंट का मानना यही है कि इस देश में कम्युनिस्ट मूवमेंट का फेलियर हुआ है। साथियों ये फेलियर इसलिए हुआ है कि कम्युनिस्ट मूवमेंट का कोई स्ट्रांग पॉलिटिकल अपोजिशन ना इनका कोई कल्चरल अपोजिशन ब्राह्मणवाद के खिलाफ है इस देश में। साथियों ये तो नहीं हुआ है कम्युनिस्ट मूवमेंट का फेलियर है उसका पहला कारण है कि इंडियन सोसाइटी को ये लोग समझ ही नहीं पाए। तो साथियों ये क्यों नहीं समझ पाए ये जानबूझ के समझे ही नहीं क्योंकि अगर शुरुआत से अभी तक अगर कम्युनिस्ट मूवमेंट का देखें तो इनका जो लीडरशिप है इनका पॉलिट बियर मेंबर में जो डिसीजन तय करता है हर टाइम यहाँ पर कैश होता है हर टाइम ग्रामीण होता है। साथियों प्रकाश का सीताराम यात्री दीपांकर भट्टाचार्य। तो साथियों ये क्या दिखता है किसी देश के कम्युनिस्ट पार्टी में ब्राह्मीण बने हुए रहते हैं पुलिस ब्यूरो ब्राह्मीण रहते हैं और साथियों ये लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ फाइट करते हैं लेकिन अपने पार्टी के अंदर कि कितना एक ब्राह्मीण का मोनोपोली ये एस्टैब्लिशमेंट मेंटेन करता है। साथियों तो साथियों इसके चलते हुए इस देश में ब्राह्मणवाद यहाँ जिंदा है। साथियों इस देश में जब कम्युनिस्ट मूवमेंट हो रहा था सबसे शुरुआत हो रहा था 1925 में जब इस देश में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हो रहा था और ये सीपीआई का डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि अब हमारा जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है वो एंटी कॉलोनियल कम्युनिस्ट मूवमेंट से स्पिरिट लेता है। साथियों यहाँ जो कम्युनिस्ट मूवमेंट का शुरुआत हो रहा है एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट इंस्पायर नहीं होता है ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का शुरुआत होता है। इनका शुरू से ही प्रोग्राम गलत है ये कभी भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये ताकत नहीं थे। तो साथियों इस देश में जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी देखिए सीपीएम आया सीपीएम ने यहाँ बेंगलोर के अंदर साथियों नंदीग्राम के सिंहपुर के यहाँ ये फर्जी कम्युनिस्ट है लिबरेशन कहता है दलित आदिवासी के लिए हम लड़ते हैं लेकिन यही संगठन जब लिबरेशन आया था तो इसने इसको विरोध किया था इसने विरोध किया साथियों ये कहता है रणवीर सिन्हा के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ था जब दलित और रणवीर सिन्हा का लड़ाई हुआ था तो ये लोग कॉम्प्रोमाइज किए थे जिस तरह ब्राह्मण भाग के साथ कॉम्प्रोमाइज किए इस कैंपस के अंदर भी ब्राह्मण भाग के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं